अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। जैना ज्वेलर्स के मालिक अतुल कुमार जैन मेरठ के प्रसिद्ध व्यवसायी और समाज सेवी हैं। अतुल कुमार जैन किसी न किसी तरह से समाज सेवा करते रहते हैं और अब उन्होंने उन बेटियों की शादी कराने का जिम्मा लिया है जिन बेटियों की शादी आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो पा रही है। इसके लिए अतुल कुमार जैन ने जैना बेटिया फाउंडेशन संस्था ऑर्गेनाइज की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैना बेटिया फाउंडेशन की मैनेजर ईला ने बताया कि ये संस्था गरीब बेटियों की शादी कराएगी। इन शादियों में लड़का माता पिता की पसंद का होगा। इसमें जैना बेटिया फाउंडेशन संस्था सिर्फ शादी का खर्चा और दहेज वगैरह के लिए खर्च करेगी। उसके आगे इस फाउंडेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये गरीब बेटियों के लिए एक सुनहरा मौका है। देखिए इस फाउंडेशन की मैनेजर ईला ने हमारे पत्रकार निलोफर अंसारी को इस बारे में क्या जानकारी दी। जैना बेटिया फाउंडेशन जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, क्या इसका उद्देश्य, क्यों आपने ऑर्गेनाइज किया है? जैना बेटिया फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो बहुत ही प्योर है। जो बेटियाँ दहेज की वजह से या किसी आर्थिक तंगी की वजह से नहीं विदा हो पाती, उनके मदर फादर नहीं उनके लिए कुछ कर पाते, शादी में पैसों की वजह से रुकावट आ जाती है, उनके सपने पूरे करने के लिए जैना बेटिया फाउंडेशन जैना ज्वेलर्स की तरफ से अतुल जैन सर ने ये स्टार्ट की है। इसके फाउंडर वही हैं और प्रेरणा भी वहीं से आई है क्योंकि वो ये काम करते रहते थे। आपका क्या रोल है इसमें? मैं इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और इतना विश्वास मुझ पर किया गया है तो मैं पूर्णतः ये कोशिश करूँगी कि जो सही लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, उन तक ये मदद पहुंचे। और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं आपके साथ? इसमें 8 लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारी पूरी बॉडी है वो 8 लोगों की है, जो पूरा लेकिन जो है इसमें पूरा तरह से योगदान है वो अतुल सर का। मैक्सिमम कितना आप खर्च आप इसमें करेंगे? 2 लाख के आसपास, खाना पीना बैंड बाजा बारात सारा सामान, तो इतना तो मैम हो ही जाएगा। 2 लाख में आप क्या क्या करेंगे, कुछ आप थोड़ा सा बताएंगी? मैम जितना भी ज़रूरत का सामान है, आजकल देने लेने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप एक बेड खरीदने जाओ तो वो 2000 का भी हो सकता है और वो 2 लाख का भी हो सकता है, तो इस तरह तो बजट को डिवाइड करना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन हमने कोई बाउंड्री लाइन नहीं की है। अगर किसी की नीड हमें ऐसा लगा कि इससे भी ज़्यादा है तो हम वो करने से हिचकेंगे नहीं। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब तक कितने हो चुके हैं? अभी एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, 17 फरवरी की शादी के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन आया है और बहुत जेन्युइन केस है तो उनको देखते हैं मैम। अच्छा, इसमें वेन्यू कौन डिसाइड करेगा? वेन्यू हम ही लोग डिसाइड करेंगे, यही जो हमारा ऋषभ हॉल है शादी यहीं पर होगी मैम, यही इसी बॉडी में हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे। अच्छा, मज़हब का भी कुछ इसमें रोल है कि हिंदू की होगी या फिर मुस्लिम की? नहीं मैम, मज़हब का कोई भी मज़हब का कोई रोल नहीं है। बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं, ये हिंदू मुस्लिम में तो अब बट गई हैं, बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं। अच्छा, किसी कोई भी आ सकता है? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अपनी बेटियों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉन्टैक्ट करें 9972337897906866119। एक और नंबर है 9837088111। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।